माधु बोली, हम दोनों को माधु, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी जी आप लोगों की खोपड़ी उड़ाएंगे। हिम्मत कहना, हिम्मत कहना कि मंदाकिनी ने बताया नहीं। हाँ तुम्हारी बात पे मरते मर जाए पर भरोसा न करे मंदाकिनी जी। क्यों भैया, मैंने कौन सी कहिया भैया पकाई है तुम्हारी, मेरे से ऐसी दुश्मनी क्यों? ये दूसरे को देखो, रोलिंग वापस लाएंगे। अच्छा लो, उस दिन की बात कर रहे हो, आज तो खुद चल के आए हैं। एक दूसरे को देखो, बातों में फंसा रही, गजब कर रहे हो यार। हाँ याद रखूंगी बेटा, तुम दोनों को जब स्टार बन जाऊंगी तब सोचोगे तुम दोनों। हाँ क्या थी मैं जो कहानी बताते बताते थोड़ा आगे बढ़ी, घूम गए हल्का हल्का, आगे बढ़ रही कहानी बता रही है कैमरे में, नहीं लेफ्ट में, कैमरा लेफ्ट में, लुक लेफ्ट, कोई है? थैंक यू। नहीं अब पैसे लेके नहीं भाग रही है श्वेता मैंडी, अब तो जो डील हुई थी डैडी के साथ कि वो 50 करोड़ देंगे और हम मूवी बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, तो वही अपने प्लान को अंजाम देने डैडी के डेन में आए हैं श्वेता और मैंडी कि 50 करोड़ लेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पैसे को लेके डिवोर्स देना, ये सब क्या फिर, ये अचानक से प्लानिंग क्यों चेंज हुई? देखिए प्लान तो यही था कि पैसे लेंगे और निकल जाएंगे, बट वो प्लान के बीच में मनु की अच्छाई देख के श्वेता को, वो पार्ट ऑफ प्लान नहीं था, प्यार में पड़ना किसी का भी प्लान नहीं होता, वो तो बस हो जाता है, तो वही हुआ है, मन्नू की अच्छाई देख के श्वेता को प्यार होना होने लग गया है मन्नू से, अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी भाग के, क्या खोया है उसने लाइफ में, उसको इतना अच्छा जीवन साथी मिल सकता था, अब उसको रियलाइज़ हुआ है जाके, तो अपनी गलती वही सुधारना चाहती है, वो यही चाह रही है कि किसी तरह मन्नू उसका हो जाए, वो भी उससे प्यार करने लगे, तो मैंडी तो बहुत खुश है 50 करोड़ लेके, उसके तो पूरे प्लान्स बन चुके हैं कि बस अब मुंबई जाके फिल्म स्टार बनना है, लेकिन श्वेता कहीं ना कहीं काफ़ी भारी दिल, मतलब दिल पे पत्थर रख के उसने डिवोर्स पेपर्स भी साइन किए, क्योंकि डील तो वही थी कि डिवोर्स दे देगी और निकल जाएगी, लेकिन किया उसने दिल पे पत्थर रख के, बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ हो सकता है, अभी तक इतने उसने कोशिशें की हैं, इतना ट्राई किया है, तो इतना इजीली तो श्वेता लेट गो नहीं करेगी अपने प्यार को, इतने इजीली नहीं जाने देगी, एक बार वो बेवकूफ़ी कर चुकी है भागने की, अब आई डोंट थिंक वो दोबारा ऐसा कुछ करेगी कि वो अपने प्यार को खो दे वापस से, तो आई थिंक येस डेफिनेटली वो पूरी कोशिश करेगी, जो बन जो हो सकता है वो करेगी कि मन्नू उसका हो जाए। थैंकफुल, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर अपने फैंस को लेकर, वो इतना प्यार करते हैं, वो मुझे और मन्नू को एक साथ देखना चाहते हैं, केमिस्ट्री अच्छी लग रही है उनको क्योंकि, तो अच्छी बात है, आई एम वेरी थैंकफुल, कहीं ना कहीं जो वो एक प्यार की झलक दिखाना चाहते थे श्वेता के अंदर, आई थिंक वो लोगों को दिख गई है, इसलिए केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, तो अप्रिशिएट करने के लिए आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, थैंक यू। Thank you.